एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही बेसिक, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी साउथ इंडियन रसम बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी इमली ली है, मीडियम साइज़ का एक इमली का टुकड़ा लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 कप गर्म पानी और इसको 10 मिनट के लिए सोख होने के लिए रख देंगे और फिर इसका पल्प निकाल लेंगे। एक छोटा सा हम लेंगे स्टोन ग्राइंडर, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा। अब इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे। क्रश करने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन की कलियाँ। मैंने यहाँ पर 12 लहसुन की कलियाँ ली हैं। इसको भी अच्छे से क्रश कर लेते हैं। तो ये अच्छे से क्रश हो चुका है। अब इसको साइड में रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। एक वेजल में हम लेंगे 3 टेबलस्पून तेल। तेल गर्म होते ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून राय। राय को अच्छे से क्रैकल होने दें। फिर इसमें डालेंगे थोड़े से कड़ी पत्ते, 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हींग। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम कुछ सेकेंड्स के लिए तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे मसाला जो हमने क्रश करके रखा था। इसको भी कुछ सेकेंड्स के लिए हम अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे और फिर इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मीडियम साइज़ का हम इसमें टमाटर डालेंगे। इसको अच्छे से चॉप कर लें और फिर इसमें डालें। कुछ सेकेंड्स के लिए इसको भी अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे। टमाटोज़ को ज़्यादा सॉफ्ट ना होने दें, बस कुछ सेकेंड्स के लिए हम इसको पकाएंगे और फिर इसमें डालेंगे हम इमली का पल्प। यहाँ पर मैंने 1 कप फुल इमली का पल्प डाला है। इसके साथ ही हम डालेंगे 1.5 कप पानी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालें। रसम के सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गुड़ का पाउडर। अब इसको हम अच्छे से पकने देंगे जब तक कि इसमें अच्छे से बॉइल्स ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक रहा है। इसमें थोड़े से डालेंगे धनिया पत्ते। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर इन सारे मसालों को सेटल होने देंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। जो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।